कई लोग ना होते हैं कि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आना चाहते हैं, तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी थोड़ा डिटेल बताइए, और अगर 15 दिन या फिर एक महीना छः महीना तो क्या कॉस्टिंग आप पैकेज बना के देते हो? अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर आता है मेरे वीडियो के थ्रू या मेरे रेफरेंस के थ्रू, प्लीज उसको थोड़ा सा डिस्काउंट आप जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी प्रॉपर यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड आ रही है। सो गाइस, एक और फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप ही की तरह जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता हूँ, और लॉकडाउन के बाद जब से उत्तराखंड शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ ऑफबीट डेस्टिनेशन वगैरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ऑफबीट डेस्टिनेशन देखनी है उत्तराखंड की, वो पूरी सीरीज देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट देखिए और उत्तराखंड की ऑफबीट डेस्टिनेशन का आनंद लीजिए। और कुछ दिनों से अभी मैं घर पे काम करते करते बोर हो गया था, तो मुझे लगा कि कुछ एक वर्क स्टेशन ढूंढा जाए नया पहाड़ों के बीच में। तो मैं आज आया हूँ काफल कॉटेज में, जो कि हल्द्वानी से लगभग 99 किलोमीटर दूर पड़ता है, और अगर आप दिल्ली से बात करें तो ये आपको 350 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। ये है रानीखेत से आगे मछखाली करके विलेज है, वहाँ पे पड़ता है। सो गाइस, एक अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पे, अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे गेस्ट बन के आ रहे हो तो यहाँ पे जो पूरन भाई हैं कुक हमारे, उनको आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी ऑर्डर कर दो, वो बना के तुरंत रेडी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्री डिफाइंड मेन्यू रहती है। तो आज मैंने जैसे ऑमलेट बनवाया है, ब्रेड ऑमलेट, ऐसे पोहा, कल पराठे खाए थे, तो ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। और साथ ही साथ में उन्होंने जो कैफे है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कैफे में उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। तो गाइस, एक और फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि अगर आप मॉर्निंग में नेचर लवर हैं तो नेचर वॉक पे निकल सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक ले निकल सकते हैं। पूरन, पूरन भाई हैं हमारे, हमारे सैफ भी हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, एक नंबर। आ गए हैं टॉप पे, यहाँ से आप जैसे देख रहे हो ये अभी तो बादल लगे हुए हैं भैया बता रहे हैं, तो जब बादल हट जाएंगे भैया, कल आप बता रहे थे ना कल कौन सा व्यू दिख रहा था यहाँ से, वो पूरी चोटी दिख रही थी हिमालय की, बढ़िया लग रहा था। हाँ, काफ़ी नाइस लुक आ रहा था उसका। मतलब ठीक है, अगर आप मॉर्निंग वॉक में इंटरेस्टेड हो, नेचर वॉक वगैरह एक प्लस पॉइंट है। तो भैया यहाँ पर हमें एक और भैया मिले, आप कहाँ से भैया? लोकल हो, क्या नाम आपका? कैलाश भाई, दिखा दे। तो गाइज, अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन कर रहे हो और साथ में माउंटेन ना हो तो उसका तो मज़ा ही बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ अपने कॉटेज से करीबन 500 मीटर की दूरी पर, एक यहाँ पे पूरा ओपन एरिया है, तो यहाँ पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ और साथ में माउंटेन से मेरे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब बेसिकली जब आप काम कर रहे हो ऑफिस का और आपको ना कुछ थॉट्स आ नहीं रहे हैं और आपको नए आइडियाज़ चाहिए, तो आप अगर ऐसे ना ऐसे नेचर के पास, यहाँ पर बिल्कुल पीसफुल एरिया है, कोई आसपास नहीं है, पूरा जंगल है आसपास और सामने माउंटेन के इतने अमेजिंग व्यू दिख रहे हैं, और ऐसे में अगर आप काम करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल चली आती है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी नेक्स्ट लेवल चली आती है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एयरटेल का मेरे पास डोंगल भी है, और प्लस अभी तो मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, और अगर आप देखेंगे जैसे कि मेरे यहाँ पर लैपटॉप में, तो अभी प्रॉपर यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड आ रही है और मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, डॉक्यूमेंट जैसे आप देखोगे पूरा लोड हो रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए, जैसे कि ये पूरा नेट बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, तो प्रॉपर आप काम कर सकते हो यहाँ पे बैठ के। सो गाइस, अभी यहाँ से मैं अभी कॉटेज जा रहा था अपने वापस, तो यहाँ पे कुछ लोग घास काटने के लिए आए हुए हैं, यहीं लोकल विलेज के हैं, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे गांव के लोग ऐसे घास काट के ले आते हैं अपने जानवरों के लिए। तो काफ़ी कितनी टफ लाइफ है, बड़ा टफ है यार तुम्हारा, तो धूप में दिन भर लगे रहते हो गए। तो खाना वाना सब लेके जाते हो या घर जाते हो खाना खाने? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत। चलो फिर नमस्कार हैं। और अभी हमारे साथ आए हैं यहाँ के ओनर जो है मयंक जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए यार। नो इश्यूज भाई। थोड़ा मयंक जी बताइए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या रूम है क्या नहीं है? प्रॉपर्टी ये है भाई, 6 रूम प्रॉपर्टी है, बेसिकली 5 बेडरूम्स है, डबल बेडरूम्स और एक फैमिली रूम है। अच्छा, जो आपको भी दिया हुआ है। हाँ हाँ, बड़ा वाला। 3 रूम हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है एंड 3 रूम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा, और ये सामने जो आप देख रहे हैं जस्ट रेस्टोरेंट है। अच्छा, डाइनिंग एरिया है। और ये पूरा कितने एरिया का मैं है आपकी पूरी प्रॉपर्टी? ये है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर फीट का। अरे वाह, नाइस नाइस नाइस।
तो यार एक चीज बताइए मुझे मयंक जी, मतलब जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैं भी कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, तो लोगों को ये जानना है कि यार अगर वो लोग करना चाहते हैं मेरी तरह तो उनको क्या कॉस्टिंग पड़ेगी? जैसे कई लोग ना होते हैं कि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आना चाहते हैं, तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी थोड़ा डिटेल बताइए। और अगर 15 दिन या फिर 1 महीना 6 महीना तो क्या कॉस्टिंग आप पैकेज बना के देते हो? इस समय ये एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मैं बोलूँगा कोविड टाइम में लॉन्ग स्टेज एंड ऑल, क्योंकि पहले बेसिकली लोग 2-3 दिन ऐसे आते थे। करेक्ट, कोविड सिचुएशन में अब लॉन्ग स्टेज चले हैं, तो अभी जो हम लोग ले रहे हैं हमारे पास अभी भी रिसेंटली लोग रुके हैं 1-1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, जैन फैमिली थी मुरादाबाद से आए थे। अच्छा। वो 1.5 महीना रुके थे, फिर एक फैमिली और दिल्ली से आई थी, वो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन रुके। अभी एक और गेस्ट रह रहे हैं शरियर, इज फ्रॉम हैदराबाद, आईटी सेक्टर में है, वो अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 4 महीने से ही पे है, तो ये 4th मंथ चल रहा है उनका। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग लॉन्ग स्टेज के लिए, इट्स बेसिकली लाइक हम ले रहे हैं मिनिमम 15 डेज स्टे। अच्छा, लॉन्ग स्टे जो हम का पैकेज बनाया हुआ है आपने? करेक्ट, हम जो पैकेज कंसीडर करेंगे अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं तो मिनिमम 15 डेज पैकेज होगा, उसमें 15 डेज का आपको बुक करना होगा। ओके, एंड उसमें प्राइजेस हमारे हैं 1000 रुपीज पर पर्सन विद ऑल मील्स। अच्छा, और मील्स में क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर? हाँ, ब्रेकफास्ट लंच टी कॉफी इंक्लूडेड। हाँ, अच्छा, नाइस नाइस नाइस। तो अगर वो बंदा 1 महीने से ज़्यादा, अगर 6 महीने के लिए आ रहा है तो तब थोड़ा डिस्काउंट है उतना ही है पैकेज के हिसाब से? 6 महीने के लिए आ रहा है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, अभी ऐसा उसका कोई पैकेज नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी तो क्या है कोविड सिचुएशन ऑलमोस्ट धीरे 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 नॉर्मलाइज हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, तो अब ऑफिसेज भी खुल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेज आएंगे नहीं, तो हमने ऐसा कोई पैकेज अभी ऐसा डिज़ाइन नहीं किया, बट नो डाउट अगर ऐसा कोई आता है तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। नाइस नाइस। तो यार एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे अगर बंदा कोई यहाँ आता है तो यहाँ पे इंटरनेट और लाइट की क्या व्यवस्था है, मतलब क्या अवेलेबिलिटी है, बैकअप और वो सब चीज़ें बताइए? इंटरनेट तो भाई हमारे पास लाइन है 35 Mbps। हाँ, नो डाउट, मतलब मैंने तो पूरा काम किया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, मतलब भी जो ऊपर गेस्ट काम कर रहे हैं लास्ट 4 मंथ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी। और इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं, नेट के अलावा बैकअप? हाँ, लाइट का बैकअप। बैकअप में हाँ, वैसे तो यहाँ पे लाइट बहुत ही रेयर जाती है, अगर कभी जाएगी भी तो मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट्स। अगर लाइट जाती भी है तो हमारे पास इन्वर्टर का बैकअप है। कितने घंटे का चलता है? 7-8 घंटा चल जाता है। बढ़िया यार, मतलब फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, 7-8 घंटा इन्वर्टर चलता है तो बढ़िया। हाँ, नाइस यार, नाइस। ठीक है यार, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर आता है मेरे वीडियो के थ्रू या मेरे रेफरेंस के थ्रू, प्लीज़ उसको थोड़ा सा डिस्काउंट आप जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ही जस्ट हैज़ टू टेक योर नेम। या श्योर श्योर। सो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो गए तभी यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो इनके कॉटेज का नाम है काफल कॉटेज, ये पड़ता है आपका रानीखेत से थोड़ा सा, कितने किलोमीटर आगे? रानीखेत से अप्रॉक्सीमेटली 8-9 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर आगे है। तो अच्छा ही है, बिकॉज रानीखेत सिटी जो है बहुत क्राउडेड है, तो आपको थोड़ा हटके जगह मिल रही है, और प्लस मछखाली में आता है ना। हाँ, ये मतलब रानीखेत का बेसिकली टॉप है, एंड यहाँ से आपको बेस्ट व्यू, वैली व्यू, हिमालय व्यू बेस्ट। करेक्ट, वो तो हमने देखा था वीडियोस में। हाँ, एक्चुअली मॉर्निंग वॉक के भी गए थे। हाँ, हाँ। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, और बाकी सो गाइस, अभी तो मेरा यहाँ वर्क स्टेशन चल रहा है, अभी कुछ टाइम तक वर्केशन चलेगा, उसके बाद फिर मैं जो वीकेंड आ रहा है उसमें यहाँ पे स्टेकेशन करने वाला हूँ। भाई जैसा कि अभी देखोगे, ये काफल का पेड़ है, यहाँ पे गर्मियों में काफी मस्त मस्त काफल होते हैं। काफल एक बेसिकली फ्रूट होता है, अभी गर्मी के टाइम पर भी बरसात जब होती है ना। हाँ, तब बहुत पकता है वो। हाँ, काफी छोटा रहता है, काफी फेमस है यहाँ पे। हाँ, और काफी अच्छी होती है खाने में, खट्टी मीठी, उसमें नमक वमक लगा के खाओ, मजा आ जाता है। अगर आप उत्तराखंड के हो और आपने काफल खाया हुआ है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। क्या बता रहे हो भैया? ये पूरे काफल के ही पेड़ हैं। अच्छा, ये पूरा काफल का ही जंगल है। एक्चुअली इसी वजह से इस कॉटेज का नाम भी काफल रखा हुआ है, बिकॉज इसके पीछे जो जंगल है पूरा वो काफल का है। तो गाइस, लंच करके मैं आ गया हूँ अपने पे भी रूम पे। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर आप लोग इधर आ रहे हो ना, तो वाईफाई तो यहाँ अच्छा है ही, लेकिन आपको एक बैकअप भी ज़रूर अपने साथ रख लेना चाहिए। सो गाइस, इसीलिए मैं अपने साथ एक एयरटेल का डोंगल एज अ बैकअप और एक 20,000 का पावर बैंक अपने साथ रख लेता हूँ एज अ बैकअप, बिकॉज कभी लाइट चली गई या फिर नेट डाउन हो गया तो उसके लिए मुझे एक बैकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही साथ में दोस्तों, इस प्रॉपर वर्क फ्रॉम माउंटेन के प्रोज एंड कॉन्स अगर आपने देखने हैं तो उसकी प्रॉपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ कहीं आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जो मुझे लगा वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करे हुए हैं। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।